हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में रिव्यू करूंगा आर्टिस्ट प्रो सीरीज की नई स्केचबुक, और इसके बारे में बताऊंगा आपको स्केचबुक की प्राइस, पेपर्स कैसे हैं, मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाए हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो मैंने ये अमेज़न से मंगाया, जो मैंने ऑर्डर किया था 21 मई को, और ये डिलीवर हुआ 31 मई को सैटरडे को। और बात करूँ इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस जो है मुझे अराउंड ₹400 का पड़ा है, 399 का। और काफ़ी अच्छी स्केचबुक है ये। इसके जनरली मैंने तो इसके फीचर्स देख के इसको लिया है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। आपके सामने आर्कलिक, वाटर कलर पेंसिल, पेन, पेंसिल, एसिड फ्री। और हाँ, एक और बात, अगर आपको इस पर वाटर कलर करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बता दो आपको पहले से ही, इसमें आप रियलिस्टिक वाटर कलर ड्राइंग्स नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पेपर्स वो सोख लेते हैं वो, और एसिड फ्री है। इसमें आप रियलिस्टिक पेंसिल्स ड्राइंग कर सकते हैं, ग्रेफाइट, चारकोल, कुछ भी, उसके लिए बहुत अच्छा है। मैंने खुद इस पर एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाई है। और इस बात करें इसके पेपर्स की, तो कुछ 100 शीट्स हैं इस पर, आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें कुछ 100 शीट्स, आपको दिख रहा होगा कितना मोटा है ये, 100 शीट्स है। 200 हो गए तो आप इसको बोथ साइड यूज़ करेंगे तो 200 है, 100 शीट्स है। और इसका एक पेपर है वो 180 GSM का है, अगर आपको GSM नहीं पता, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, बहुत मोटा है इसका पेपर। और इसका टेक्सचर रफ है दिखने में, लेकिन है स्मूथ। मैंने इसमें कुछ ड्राइंग्स बनाई, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, मेरी पहली ड्राइंग थी ये, मैंने सिर्फ ऐसे एक टेस्ट करने के लिए बनाया था, इसमें शेडिंग और कैसे होती है, ये भी सिर्फ टेस्टिंग के लिए। और एक रियलिस्टिक ड्राइंग मैंने बनाया है, जो कि है ये मैंने जोकर की ड्राइंग बनाई है, अगर आपको पता हो जोकर पिक्चर की, बहुत अच्छी ड्राइंग बनी थी। पास से हाँ दिख रहा है, पास से हाँ, बहुत अच्छी ड्राइंग बनी थी। और इसमें मैंने ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से की है, और इरेज भी अच्छे से इसमें यूज़ हो पा रहा है। अगर इसका टेक्सचर स्मूथ है, दिखने में रफ है लेकिन है वैसे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, तो इसमें ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से हुई है। इसमें जो डार्कर एरियाज है उसको ऑप्टेन करने के लिए मैंने 6B और 10B का यूज़ किया है, जिससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया। और स्किन के लिए मैंने इसमें 4B का यूज़ किया और HB का यूज़। जनरली HB में आप मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन आज मैंने शेडिंग के लिए भी यही यूज़ किया HB। उसमें कमेंट में बताना मुझे ड्राइंग कैसे लगी, और अगर कुछ मिस्टेक हो तो भी बता देना। और इसमें ड्राइंग्स जो हैं वो मैं आपको जनरल दिखाते ही रहूँगा, आपसे मैं इसी में ड्राइंग बनाऊँगा, जो मेरे रियलिस्टिक ड्राइंग्स हैं उसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ये देखिए, कुछ पास से ड्राइंग देखिए, अच्छे इसमें दिख नहीं रहा कोई। हाँ, और बात करें तो ये स्पाइरल बाइंडेड है, और इसकी वायर प्लास्टिक की है, मोटी है इसकी वायर, तो फटने का इतना डर नहीं रहता। और इसमें अगर आपको पेज निकालना है तो उसके लिए भी एक तो दे रखी है एक लाइनिंग। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये अमेज़न से है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगेन बता देता हूँ, मैं 21 मई को ऑर्डर की थी, ये 30 मई को आई है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सेलर से ली गई है। ये जापान की बहुत अच्छी स्केचबुक है, और ज़्यादातर जो आर्टिस्ट के जो मटेरियल्स होते हैं, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो यूज़ करते हैं, वो जनरली जापान की होती है। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाए, वीडियो को थम्सअप देना मत भूले, आपको ऐसी मेरी वीडियोज़ मिलती रहेंगी।